प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नए मतदाताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स से कहा कि भारत को विकसित बनाने में योगदान दें। पीएम मोदी ने युवा वोटरों से कहा कि आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र करने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 तक यानी 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा, ये कालचक्र दो वजहों से बहुत अहम है। पहला, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है। दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।